को इलेक्शन से पहले, जैसे आज ही का दिन है आपके पास, कल तो आपके पास सारे कुछ आउट हो जाएगा, तो आप थोड़ा कॉशियस प्ले करें और कंजम्पशन थोड़ी बैट करें, बेटर है रदर देन गेटिंग इनटू हाई बीटा स्टॉक्स, ये मेरा मत। यानी प्ले सेफ की राय हमारे एक्सपर्ट के। एक पॉलिटिकल सवाल हो जाए यहाँ पर, रवि शंकर कपूर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। रवि, वेलकम टू द शो। आपको क्या लग रहा है, मैंडेट वाली सरकार आने वाली है, रीजनल पार्टीज का कितना बड़ा रोल रह सकता है यहाँ पर? मैंडेट तो इस बार साफ ही मिलने का उम्मीद हो रही है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए हैं, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से मीडिया का में भी जिस तरह से आया है, तो उसमें तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एनडीए के पास सीट्स हो जाएंगी, बहुत ही थोड़ा सा थोड़ा बहुत सपोर्ट की कहीं ज़रूरत पड़े तो वो सपोर्ट मिलने में ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जब देखिए किसी पार्टी के पास अच्छी सीटें हैं, 200 से एक पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें ले आती है, तो वो उस तरह से होता है कि जैसे अमीर आदमी के बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं ना, तो उसी तरह से जिस पार्टी की अच्छी सीटें आती हैं तो उसके साथ लगने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। चलिए, तो पोस्ट पोल अलायंस काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं इस पैनल में, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ गजेंद्र नागपाल हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑगमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, वेलकम टू द शो सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे पोस्ट पोल अलायंस की, अभी नंबर्स आने बाकी हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत रैली देखी। पहले हमने नरेंद्र मोदी की बहुत सारी रैलियाँ देखी, फिर मार्केट की रैली देखी, लेकिन फिलहाल अगर मंडे की बात करें, जब नंबर्स आउट हो चुके होंगे और वीकेंड है, उसके बाद भी काफी कुछ गठबंधन की राजनीति चलने वाली है, काफी कुछ जोड़ तोड़ होगा, मंडे की ओपनिंग कैसी आपको लग रही है और क्या अप्रोच यहां पर रहनी चाहिए आपके हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मंडे को क्योंकि मार्केट 9 बजे खुलती है, 9 बजे तक हमारे पास काफी सारे ट्रेंड्स आ चुके होंगे, और रिजल्ट्स तो खैर नहीं होंगे, ट्रेंड्स होंगे, और जिस ढंग से हमने एग्जिट पोल्स देखे हैं, लगभग सारे एग्जिट पोल्स इस बात का को कह रहे हैं, इन ऑब्वियसली ये सब वेरियस ग्रुप्स हैं जिनके एग्जिट पोल्स हुए हैं, और सारे के सारे ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि बिटवीन 240 एंड 340 इज समथिंग दैट एनडीए इज गोइंग टू बी सेटलिंग एट। तो लेट्स अज्यूम कि वो उसके बीच में भी रहते हैं, विच इज़ क्लोज टू अ 290 नंबर और 280 एंड 290, विच मीन्स दैट कि वो दे आर होम। और जैसे भी आपने कुछ एक हमने आवाज़ें बीजेडी से आती हुई सुनी, कुछ आवाज़ें हमने एएडीएमके से आती हुई सुनी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी फॉर्मेशन बन रही है जहां पे जो स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने साथ करने के लिए, वो भी अपने साथ जुड़ने के लिए वो अपने आप को ज़रूर ऑफर करेंगे। तो आई थिंक ये एक ऐसा सिनेरियो आने वाला है जो हमारे देश की इकॉनमी के लिए, हमारे देश की स्टेबिलिटी के लिए और जो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ गुड पॉलिसीज़ है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी game changer for the industry and for the stock market, और मेरे हिसाब से it's a clear cut case जो हम सब अपेक्षा कर रहे हैं, अगर वो होता है तो it's a clear cut case of markets getting re-rated which could reach to any level, at the moment I can't say that, but you're going to get into a situation where next 4-5 years are going to be very 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 robust for the stock market point of view। चलिए, तो हमारे एक्सपर्ट ने बताया दिया। मिहिर, आप वॉर रूम मुंबई से हमारे साथ जुड़े, एक ब्रेक से लौटेंगे, फिर वहां का भी जायजा लेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हम इस समय इलेक्शन वॉर रूम में मौजूद हैं, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। अब हितेंद्र, मेरा अगला सवाल आपसे है, ये इंडेक्स में भी अगर हम देखें, एक अच्छी चीज़ ये है कि कई जो बड़े कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जो कि वेटेज रखते हैं इंडेक्स में, वो अभी भी अपने पीक से दूर हैं, और क्या उनसे उम्मीद की जाए? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, खासकर ऑयल एंड गैस इंडेक्स पे या फिर कुछ एक पीएसयू बैंक्स? सी, ब्रॉडली पीएसयू बैंक में अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हो चुके हैं, वहाँ पे रनअप मिलेगा, बट मोस्टली अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ सीएनएक्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स जो है, वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में पिछले दो हफ्ते में अच्छे लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट्स देखने मिले हैं, जैसे कोल इंडिया है, फिर गेल है, ONGC ऑब्वियसली मोमेंटम में है, और रिलायंस की तरफ बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं कि 2013 में 12-13 में जो पीक हुआ था 955-926 का जोन था, वो इस वक्त कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रेड कर रहा है, यानी 2008 का तो पीक तो बहुत ही ऊपरी स्तर में था, बट यानी कि वहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छी मिल सकती है, वहाँ पे 15-20% जंप अगर प्राइस में होता है, तो इंडेक्स को जो रफ्तार की ज़रूरत है
वो हेल्प हो सकती है। सो ऑयल एंड गैस इंडेक्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स जो है वो इनकरेजिंग लग रहा है। आपकी दो टॉप पिक्स क्या हैं अगले, अगर हम इस सीरीज के आखिर तक की बात? गैस अथॉरिटी के लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो वहाँ पे यहाँ से बढ़त प्राप्त हो सकती है। ब्रिजेश, मेरा अगला सवाल आपसे है, अब ये कुछ मर्मर्स तो आना शुरू हुआ है, खासकर जो एलआई पार्टीज हैं उनसे एक्टिविटी शुरू हुई है, अगर एक क्लियर मेजोरिटी मिलती है तो फिर क्या उम्मीद ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार का गठन होगा? क्योंकि बीजेपी की ऑलरेडी दो हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं इस पर, यानी जो हर बार टिपिकली लंबा टाइम लगता है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह में, वो इस बार बच जाएगा? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग की गुंजाइश कब होती है? तब होती है जब आपके पास स्ट्रेंथ बहुत डामाडोल मामला वाले, वो ऐसा है। अभी जो हिसाब से खुद की पार्टी की स्थिति है, एनडीए की अलायंस की स्थिति है, और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अब ऐसे भी लोग साथ आना चाहते हैं जिनको जो पहले नफरत करते थे एनडीए से या उनके मेन पार्टी बीजेपी से, तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग की तो गुंजाइश कहीं बचती नहीं है। जब पूरा का पूरा पिक्चर अगर क्लियर दिख रहा है अभी के हिसाब से, तो फटाफट तो होना ही है। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि आप जितना समय आप गंवाएंगे आप उतना ही आपका जो होप जो आपने बिल्डअप किया है वो आप लूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे, लंबा खींचेंगे, क्योंकि लोगों को अब चाहिए इफेक्टिव गवर्नमेंट। सुदीप, एक अब मार्केट में इनफैक्ट बातचीत इसको लेकर चल रही है कि पहले तो एनडीए बनेगा नहीं बनेगा, जो डेढ़ महीने पहले बातचीत थी वो ये थी कि 200 का मार्क क्रॉस होगा कि नहीं, फिर वो डिबेट चेंज हुआ कि मेजोरिटी आएगी कि नहीं, अब वो डिबेट और ग्रेजुएट हो गया है कि कैबिनेट में कौन कौन होगा और किसके पास क्या पोर्टफोलियो आना चाहिए। फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, सेंसिटिविटी के हिसाब से देखें मार्केट की, तो कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिस पर लोग बुलिश होंगे, बाजार बुलिश होगा अपार्ट फ्रॉम शेयर्स? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ऐसा मिनिस्ट्री है जिसको लेके मार्केट का बहुत कंसर्न रहता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक अच्छा जो प्रोग्रेसिव मिनिस्टर अगर आ जाए तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। बात ऐसे चल रहा है कि अरुण जेटली साहब को मिल सकता है या अरुण शौरी साहब को मिल सकता है, तो मार्केट के लिहाज से ये कह पाऊंगा कि मेरे ख्याल से दोनों ठीक ठाक हैं, दोनों बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, और पिछला जो टेन्योर था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डिस्चार्ज किया उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो एफिशिएंटली भी उन्होंने डिस्चार्ज किया, तो मार्केट के लिए आई थिंक ये दोनों अगर कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो ठीक है। एक मार्केट में ये भी सुनने को आ रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी जी खुद अपने हाथ में फाइनेंस रखेंगे, अगर ये होता है तो भी मार्केट के लिए सही रहेगा। इसमें और एक चीज़ ये भी है कि एक जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात की, और इनफैक्ट इस पर हम एक एक्सक्लूसिव खबर भी बताने वाले हैं, लेकिन इसमें एक डार्क हॉर्स का नाम भी शामिल है, वो है नितिन गडकरी का, कि शायद वो भी बन सकते हैं या फिर अरुण जेटली हो सकते हैं या फिर कोई और। लेकिन ये जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, इसके बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का सामना करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल वेटेज, मार्केट इसके लिए तैयार है क्या? जी, मार्केट इज लुकिंग एट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एफिशिएंट गवर्नमेंट एंड क्विक रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मार्केट को कहीं भी ऐसा लगे कि एफिशिएंट सरकार रन करने के बजाय पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम जाएगा तो मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि आज सारे उम्मीदें बनी हुई हैं कि सरकार आएगी, स्ट्रॉन्ग सरकार बनेगी और वो बहुत जल्द इंडस्ट्री के, कंट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा मार्केट को लगे कि प्रॉब्लम होने वाला है तो मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगेगा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए जल्दी से क्विक पोल कर लेते हैं यहाँ पर कि मोदी सरकार आने के बाद ग्रोथ का जो लेवल है इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक, उसका रीजनेबल एस्टिमेट क्या होगा आपको? देखिए, 5.5 से 6 के आसपास तक जा सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर रहा और मॉनसून भी ठीक ठाक रहा, इससे ज़्यादा अगला 9 महीने में जाना बहुत मुश्किल रहेगा। आपका क्या मानना? मैं भी उसी एस्टिमेट पे जाऊंगा, क्योंकि अभी ये पहला साल होगा, बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे हैं उनको ठीक करना होगा, और उसके बाद ही फिर आप कहीं ग्रोथ की पटरी पर आना शुरू होगी गाड़ी, उसके बाद फिर जो स्पीड होगी तो अच्छा होगा, उसके बाद नंबर्स बढ़ेंगे। हितेंद्र, आप कोई बैट लेना चाहेंगे इसमें? जी, बेसिकली यही देखेंगे कि जो अनाउंसमेंट्स वो करेंगे जब भी मार्केट ओरिएंटेड या ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे तो शायद मार्केट को पुशअप के लिए अच्छी मोमेंटम मिलेगी और जो ब्रेकआउट होगा उसके लिए सहारा मिलेगा और ऊपरी स्तर जाने के लिए। इनफैक्ट इस पर हम एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके पास आने वाले हैं कि कौन 3 ऐसे नेता हैं बीजेपी के बड़े नेता जिनके बीच में इस समय मंथन चल रहा है, जिन पर मंथन चल रहा है कि कौन सा पोर्टफोलियो किन्हें दिया जाए। लेकिन ये खबर बताने से पहले जल्दी से पल्लवी के पास चलते हैं, और पल्लवी जल्दी से अगर आप एक दो व्यू हमें बता पाएं पॉलिटिकल भी और मार्केट का भी, कि इस पर जो कैबिनेट का फॉर्मेशन है उस पर उनका नजरिया क्या है।
शुक्रिया मीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नीलाभ मिश्रा हैं, उनसे जानते हैं कि अब जो सरकार आने वाली है, पोल प्रेडिक्शंस कुछ कह रहे हैं लेकिन नंबर्स आने में केवल एक दिन का समय रह गया है, आपको क्या लग रहा है मैंडेट वाली सरकार आने वाली है और साथ ही क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तेजी से अब बढ़ेंगे? देखिए ये तो लग ही रहा है कि एनडीए पावर में आने वाली है, सिर्फ अब इंटरेस्ट इसमें है कि वो पावर में पूरी मेजॉरिटी के साथ आती है या एक दो एलाइज की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक आध एलाइज भी आएंगे तो शॉर्ट टर्म में मैं सरकार की स्टेबिलिटी को ख़तरा नहीं देखता हूं, क्योंकि अभी जल्दी कोई चुनाव नहीं चाहेगा, तो उस लिहाज से शॉर्ट टर्म में तो एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, अगर पूरी मैंडेट से सरकार आएगी तो फिर हम एक स्टेबल सिनेरियो देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो अंदर की पॉलिटिक्स है तो उसमें हमें जैसे एक खबर है कि मोदी ने आरएसएस से कहा है कि उनको गवर्नेंस में फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जब 2000